ज्यादा चीनी या व्हाइट शुगर का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। व्हाइट शुगर या ब्राउन शुगर या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो होते हैं, उनका उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए, कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। क्यों होता है यह नुकसानदायक, इसी पर बात करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रिफाइंड शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चूंकि रिफाइनरी में प्रोसेसिंग के दौरान इसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया जाता है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल भी वॉश आउट हो जाते हैं, अब केवल सुक्रोज बचता है। सुक्रोज एक तरह का ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बराबर मात्रा में मिला कम्बिनेशन होता है। अब आप समझ सकते हैं कि केवल प्लेन सुक्रोज का ही हम यूज करते हैं। जो भी हमारे खाद्य पदार्थ या मीठे या मिठाइयाँ बनती हैं या जो भी हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जिसमें हम सुक्रोज का या चीनी का उपयोग करते हैं, वह इसी रूप में होता है। यदि लंबे समय तक हम सुक्रोज का सेवन करते हैं या इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं तो स्थिति क्या डेवलप होती है शरीर। यदि हम लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसी चीज होती है जिसमें कि बॉडी की जो सेल्स होती हैं इंसुलिन के प्रति अपना व्यवहार बदल देती हैं, जिससे ग्लूकोज जो होता है उसको बॉडी की कोशिकाएं उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस स्थिति में, इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है और हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होती है, यानी ब्लड शुगर डेवलप हो जाता है। हमारे शरीर का जो ब्लड का शुगर है वह बढ़ जाता है, हम डायबिटिक होने लगते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। धीरे धीरे यह स्थिति यदि लंबे समय तक बनी रह जाए तो हाई डिसलिपिडेमिया डेवलप होता है, यानी लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल की रेंज जो होती है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह हमारे डिस्टर्ब होने लगते हैं और धीरे धीरे सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट निकलना शुरू हो जाता है, हम मोटापे के शिकार होने लगते हैं। ये स्थितियाँ, ये कंडीशंस हाइपरग्लाइसीमिया की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की और इस तरह डिसलिपिडीमिया की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे हमें बीमार बनाती है, क्योंकि इसमें चूंकि एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं इस तरह के शुगर्स में, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी डेवलप होता है जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, सूजन उत्पन्न करता है। हमारे ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसकी इंडोथेलियल लेयर, अंदर की जो लेयर होती है उसमें सूजन उत्पन्न करता है। सूजन उत्पन्न होने की वजह से धीरे धीरे इंडोथेलियल लेयर डैमेज होने शुरू होती है, डिस्टर्ब होती है, जो आगे चलकर एथेरोस्क्लेरोसिस का रूप लेने लगती है। ब्लड वेसल्स की वाल मोटी होने लगती है, उसकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है और धीरे धीरे अंदर का ल्यूमेन संकरा होने लगता है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हम ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं और आगे चलकर कई सारी फिजियोलॉजी और होती है या पैथोजेनेसिस डेवलप होती है, जिससे ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। एथेरोमेटस प्लेक्वी वगैरह डेवलप होकर ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं और हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। तो इस तरह कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के शुगर का सेवन धीरे धीरे कम कर दें या बंद कर दें। यदि हम नेचुरल शुगर का सेवन करते हैं, जैसे जौगरी हुआ, गुड़ हुआ, या इस तरह जो नेचुरल मीठे चीजें हैं जैसे स्टेविया हुई या और आप जो शुगर बनते हैं कोको वगैरह से, तो उनका यदि हम सेवन करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। गुड़ का सेवन, चूंकि गुड़ में मिनरल के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डेवलप नहीं होने देते हैं, हमारी कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं। कोशिकाओं की जो सब्सटेंस हैं जैसे प्रोटीन, लिपिड और डीएनए वगैरह हैं, उनको ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से बचाते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। शहद का इस्तेमाल करना भी बहुत फायदेमंद होता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त होते हैं, मिठास भी अच्छी होती है, तो वह भी हमारे कोशिकाओं को बचाती है, डैमेज नहीं होने देती है और एथेरोस्क्लेरोसिस से हमें बचाती है। इसलिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करना, नेचुरल स्वीटनर का प्रयोग करना ज़्यादा फायदेमंद होता है इनकी अपेक्षा कि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या शुगर का प्रयोग करें। तो इस तरह यदि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या शुगर को छोड़कर नेचुरल स्वीटनर का यूज करते हैं, गुड़ का सेवन करते हैं, शहद का सेवन करते हैं, इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, तो इसकी तुलना में हम बेहतर रहेंगे
और इस तरह से एथेरोस्क्लेरोसिस या इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनके होने की संभावना कम रहेगी। तो यदि हम अपने लाइफ स्टाइल और अपनी दिनचर्या को सही करते हुए अपने आहार को ठीक तरह से मॉडिफाइड कर लेते हैं और प्रतिदिन योग व्यायाम करते हैं तो इस तरह की समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो कार्डियक हेल्थ के लिए ऐसे शुगर से बचें और अच्छे शुगर जो हमारे लिए हैं उनका इस्तेमाल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। धन्यवाद।